कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला में महंगाई और बेरोजगारी पर जन आक्रोश रैली निकाली। राठौर ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सत्ता में आई, वो सरकार आज हर मोर्चे पर फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार प्याज के बढ़ते दामों को लेकर चुप है। बेरोजगार लोगों को नौकरी तो दूर, जो प्राइवेट कंपनियों में युवा थे वो भी आर्थिक मंदी के चलते बेरोजगार हो गए हैं। सिलेंडर के दामों ने गृहिणियों को पुनः चूल्हे का सहारा लेने को मजबूर किया है। आज यदि बैंकों का दिवालिया निकल जाए तो लोगों को अपने जमा किए पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये सब मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ लोगों को असली मुद्दों से दूर रखकर राजनीति करनी है। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर इनकी जन विरोधी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री चंद्र कुमार, जगजीवन पाल, कांगड़ा के विधायक पवन काजल, केवल पठानिया, अजय महाजन, पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, विजय इंद्र करण सहित तमाम नेता और पदाधिकारी और काफी हजारों लोगों ने भाग लिया। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी।